फिलहाल में हम लोग एल्बम कर रहे हैं, टी सीरीज़ के लिए कर रहे हैं, और हमारे सिंगर जो है जुबिन नौटियाल के साथ में, और हमारे साथ में विजय कुमार मिश्रा हमारे डायरेक्टर भी, जो काबिल मूवी के राइटर हैं, और मीर मंजर कश्मीर की एक्ट्रेस हैं, और सब लोग मिलके थोड़ा सा कर रहे हैं कुछ बेहतर, कुछ करें हम लोग। तो किस तरह का वीडियो होने वाला है और क्या मतलब आपका किरदार होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि लव सॉन्ग के साथ जो भी डेब्यूटेंट एंट्री करता है बॉलीवुड में, ये वीडियो किस तरह का होने वाला है? एक्चुअली ये लव सॉन्ग है और थोड़ा सैड, लव एंड थोड़ा लव और सैड में मिक्स। ओके, आप बताइए आपका क्या किरदार होने वाला है थोड़ा सा? मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ विजय सर का, उन्होंने मुझे इस काबिल चुन लिया, तो देखते हैं आप लोग का सपोर्ट अच्छा ही होगा। किरदार के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का किरदार निभा रहे हैं और किस तरह का लुक होने वाला है मैडम? लुक ही गाने में वो तो आप लोगों को आगे ही पता चलेगा। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देव है जुबिन नौटियाल, बहुत ही बड़े सिंगर है, काबिल में भी उन्होंने गाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। हाँ, मुश्किल नहीं होता अगर उनमें टैलेंट हो, इन दोनों में टैलेंट है और ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा बन के आएगा। और जुबिन नौटियाल अभी अभी रिकॉर्ड करने गए हैं, मुझे लगता है गाना बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा गा रहे हैं, मैंने सुना अभी, तो मुझे लगता है कि गाना बहुत अच्छा आएगा। वीडियो हमने बहुत अच्छा सोचा, बहुत मेहनत की स्टोरी भी उसके, मुझे लगता है कि वीडियो ही बहुत अच्छा आने वाला है, तो होप कि बहुत अच्छा व्यूज़ जाए, लोग पसंद करें, यही हम आशा करते हैं। स्टोरी ऑब्वियसली अब लव स्टोरी है, लेकिन एक थ्रिल है, एक ट्विस्ट है जो कि लास्ट में आता है, आई थिंक आप लोगों को पसंद जरूर आएगा वो जब होने रहेगा। मैं इमरान हाशमी। और क्यों? वो डिफरेंट है कुछ अदर गाइस से, अदर हीरो से कुछ डिफरेंट है, मासूमियत है और जो कुछ अलग है, बोल्ड एक्टर है, एक्चुअली बोल्ड एक्टर है, सारी चीज़ें बेहद करता है वो, एक हद पार करके करता है, इसलिए उनको आई थिंक वो पसंद है। तो इस गाने में बोल्डनेस कितनी होगी? नहीं, बोल्डनेस ज़्यादा नहीं होगी, एक क्यूट सा रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें एक ट्विस्ट है, वो इसका खासियत। जैसे मैंने सर को पूछा आप किसको फॉलो करना पसंद करते हैं बॉलीवुड? मैं कंगना मैम को, बिकॉज वो सबसे हटके है, वो तो खुद एक एक्टर है, एक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है मूवी में, तो मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं भी उनके जैसा काम करूँ, मुझे भी एक्टर की जरूरत ना पड़े, तो देखते हैं। उनकी कोई पसंदीदा फिल्म के बारे में? उनकी तो सारी मूवी मुझे पसंद है। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? एल्बम पे चलने वाला, और मैं चाहता हूँ कि ये एल्बम बहुत ही अच्छे लेवल की बने। मुझे यशराज बैनर की जो फिल्में हैं बहुत अच्छा लगता है, और महेश गौर जी के, करण जौहर जी के, तो मैं उस स्टाइल में इस एल्बम को संगत बड़ा खत्म करना चाहता हूँ। तो इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये गाना आज के जो यूथ हैं वो यूथ के अकॉर्डिंग बहुत ही मतलब हार्डली दिल को छूने वाला है, और बहुत अच्छे सॉन्ग है। जो जुबिन नौटियाल जी बहुत बॉलीवुड के मंझे हुए सिंगर हैं और उनका नाम है मार्केट में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एल्बम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत सुंदर होगा। आप किस तरह से जुड़े हैं इस एल्बम के साथ? मैं इस एल्बम में एज ए कैमरा मैन एंड को प्रोड्यूसर के रूप में, इसलिए एक काफ़ी सोलफुल गाना है और मज़ा ऐड अप करने गाने में, थोड़ा क्लासिकल एलिमेंट है जो पसंद है मुझे काफ़ी। सो बीबी आई थिंक एक अच्छा खूबसूरत गाना सुन के मज़ा आएगा आपको। अच्छा, किस तरह के गाने आप पसंद करते हैं, मतलब रियल लाइफ में सुनने के लिए और गाने के लिए? मैं बहुत किस्म के गाने सुनता हूँ, मैं बहुत सारे जॉनर्स सुनता हूँ, मैं तो खैर पूरी लिस्ट में वर्ल्ड म्यूजिक में सब कुछ सुनता हूँ, बट अगेन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट क्लासिकल मेरा फेवरेट है जो सुनने में मज़ा आता है। तो इस फिल्म में जो है किस तरह का गाना होने वाला है? जैसे आपने कहा कि सोलफुल तो होने ही वाला है, लेकिन और क्या कुछ एलिमेंट्स होने वाले हैं गाने में? एक सैडनेस है, थोड़ा सा एक सैडनेस है, लेकिन ढोल की वजह से उसमें एक हैप्पीनेस भी आती है जिससे गाना जंप करता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड सॉन्ग एंड एक अच्छा गाना, एक अच्छी फिल्म है, तो हमेशा मज़ा आता है। और गाने का नाम क्या है अगर उसमें? ये रिश्ता क्या। ओके, और इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, अभी आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, अभी फन्ने खान आ रही है और फिरकी आ रही है और काफ़ी आ रही है, राइट, नवरात्रि आ रही है।
तो इस कास्ट एंड क्रू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब नए फेस तो है ही, लेकिन मुझे लगता है नए फेसेस मैजिक ऑलवेज हैपेंस व्हेन इट्स अंडरग्राउंड, यू नो, जो अंडरडॉग्स होते हैं, जब मैं भी अंडरडॉग था वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिएटिवली एक्सप्लोर करता है इंसान को. तो माई बेस्ट विशेज टू द कास्ट एंड क्रू ऑफ द होल फिल्म एंड आई थिंक दे विल डू अ ग्रेट जॉब. I am Alpesh Tiwari and by profession I am a model and actor. Before I have done few modeling projects and I am trying in the industry. So basically this is my launching project in the industry and I am very excited about it and happy as well. Aur ye ek romantic plus ek sad song hai. So I am playing the lead role. I mean pehla lead in this. Jis bande se jo lead actress hai unki shaadi hoti hai. उनकी याददाश्त चली जाती है, उसके बाद उनकी शादी मेरे से होती है. तो ये छोटा सा कैरेक्टर है मेरा. जी जी सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री जानती है कि जुबिन सर की आवाज़ कितनी अच्छी है. खनकती हुई आवाज़ है उनकी. अगर कोई नॉर्मल सॉन्ग भी है, आप अगर जुबिन सर ने गाया है तो इट्स लाइक कि वो सॉन्ग आपके दिल में बस जाएगा. तो बस ये सॉन्ग का भी वही है, पहले हमने सॉन्ग में बहुत मेहनत की है तो सॉन्ग बहुत अच्छा बना है, फिर जुबिन सर ने गाया है, हमने इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे अच्छे ऐड किए हैं, क्लासिकल प्लस ड्रम्स ये वो एंड ऑल, तो गाना बियॉन्ड अमेजिंग है. आजकल ऐसे सॉन्ग्स बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में EDM और इसके चलन है रैप सॉन्ग्स के, बट ये आउट ऑफ द लीक सॉन्ग है जो कि लोगों को पसंद आएगा. मुझे उनका याली बहुत अच्छा लगा था, मतलब इट वॉज़ लाइक सबसे बेस्ट सॉन्ग था मेरे लिए, मतलब उस टाइम से मैं पहचाना था क्योंकि सर ये जुबिन सर है. एज अ पर्सन वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत हेल्पफुल हैं डेफिनेटली. वो ही मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके आए थे कि आई नो हिम फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, हमारी दोस्ती है काफ़ी टाइम से. तो वो मेरे पास आए थे कि ये एक प्रोजेक्ट है, आपको करना है, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, ये अच्छा रोल है. सो आई वाज लाइक हाँ डेफिनेटली, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आई एम इंटरेस्टेड इन इट, और करते हैं साथ में फिर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.